रहीम, मैं मशकूर हूँ अपने भाई वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम साहब और उनके आए हुए पार्टी के अराकीन का कि हमारी दावत पे वो लोग आज इधर आए हुए हैं। बुनियादी तौर पे आप सबको इल्म है, सेनेट का इलेक्शन करीब आने वाला है और इत्तेहादी के तहत चूँकि हम बलूचिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इत्तेहाद में है, तो इस संगीन सूरत हाल में आने वाले सेनेट इलेक्शंस पे हमारी बात हुई और उसी के बारे में आपको बात करेंगे इंशाल्लाह। हम जिस तरह मिलके ये हुकूमत चला रहे हैं और इत्तेहादी बन के बलूचिस्तान के अवाम के मसलों के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह इंशाल्लाह आने वाले सेनेट में भी बलूचिस्तान में हम इसी कोऑर्डिनेशन के साथ इसी अंडरस्टैंडिंग में रहते हुए हम सेनेट में हिस्सा बनेंगे। और ये आज तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि हम अगर बैठे हैं तो हम वो तसलसल हैं कि आज से 20 साल पहले 25 साल पहले हमारे हम दोनों के वालिद मोहतरम बैठे होते थे और इंशाल्लाह ये तसलसल आगे बढ़ाएंगे इसी कोशिश में कि हम बलूचिस्तान पख्तूनख्वा और जो भी कौमियतें पाकिस्तान में रहती हैं उनके मसाइल को हल करें, उनके मसाइल की निशानदेही करें और उनके मसाइल के लिए कोई अच्छा मुसबत रास्ता ढूंढें। मैं मशकूर हूँ इनकी पूरी पार्टी का जिन्होंने हमारे साथ जो कमिटमेंट किया था, इंशाल्लाह हम उसी कमिटमेंट के तहत फारूक अरबाब फारूक को हमारा कैंडिडेट है जैसे सबको पता है और इंशाल्लाह उसी कमिटमेंट के तहत हम इत्तेहादियों के समेत ये इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे और इंशाल्लाह हमारे जो भी उम्मीदवार इस इत्तेहाद के खड़े हैं इंशाल्लाह सबके लिए कोशिश भी करेंगे और दुआगू भी रहेंगे कि सब कामयाब हो जाए। मेरे आते हुए चूँकि हमें तो पता नहीं था, हमारा तो एक ही नुक्ता था और वो सेनेट था, लेकिन जैसे ही मैंने लैंडिंग किया तो मैंने बस समेत मेरे पूरे पार्टी ने एक बहुत बुरी खबर सुनी। हमारे बलूचिस्तान के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो के हमारे सदर प्रेसिडेंट जो हमारे हैं पार्लिमानी लीडर भी हैं उनके चाचाजाद भाई हैं असद खान अचकज़ई, वो तकरीबन 5 महीने कुछ 2 दिन ऊपर से अगवा किए गए थे और मैं याद दिलाऊं सबको कि वो अगवा हुए थे एयरपोर्ट से बाहर घर जाते हुए। इस दौरान हमने बहुत कोशिशें की, हमने हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाया, हमने हर जगह कोशिश की, अपना आवाज़ पहुंचाया, अपना शिकवा पहुंचाया, अपना गिला पहुंचाया और हम हर सतह पे हमने कोशिश की कि हम असद खान को कैसे बाजियाब करें। कुछ दिन पहले फिर हमने अवामी नेशनल पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में असद खान और असद खान समेत जो बाकी मिसिंग पर्सन हैं उनके लिए एहतजाज भी किया और उनकी बाजियाबी का हमने अपने रियासत से डिमांड भी किया। उसी दिन शाम को हमारे वर्कर्स को पता चलता है कि असद खान की
गाड़ी मिली है। कल फिर चूंकि हम हर जगह पे, जैसे मैंने कहा कि हमने रुजू किया, हमने हाई कोर्ट भी रुजू किया, और कल हाई कोर्ट की हेयरिंग में हुकूमत को या इन इदारों को जो टाइम दिया गया उस पे हेयरिंग हुआ, और आज हमने वो सब देख भी लिया और वो सब सुन भी लिया। जो बंदा पकड़ा गया है वो भी सरकारी मुलाजिम है, और जो बात डाली गई है अभी कि असद खान को उसी दिन कत्ल करके कुएं में फेंका है, तो सवाल यहाँ ये आता है कि 5 महीने बाद असद खान की गाड़ी मिलती है, उससे पहले महीना पहले टेलीफोन मिलता है, जो आज स्टोरी डाली जा रही है कि उसी दिन मारा गया है, उनके अगवा होने के 10-15 दिन बाद असद खान के मोबाइल से कुछ लोगों को रापता हुआ है, मैसेज आया है घर वालों को उनके, फिर असद खान का मोबाइल महीना पहले मिलता है, उससे सिम बाहर है, सिम टूटा हुआ है। तो इस वक्त जो हम हालात देख रहे हैं, बतौर अवामी नेशनल पार्टी के एक अदना कारकुन, बतौर बादशाह खान बाबा के सियासी और फिक्री जानशीन, मैं अपने वर्कर्स को ये भी अपील करूंगा कि इश्तेहाल में ना आए। इश्तेहाल में आना हम सबका नुकसान है, लेकिन मेरा इस मौके पे एक डिमांड अवामी नेशनल पार्टी का पूरे सतह पे ये आया है कि हमारी ख्वाहिश है कि असद खान के इस पूरे केस को देखते हुए हमारी डिमांड है कि इसके बारे में जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, और वो बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के सतह पे हो। और मैं सिर्फ इतना बताता चलूं कि हमने जब स्ट्राइक किया तो 2 दिन बाद रियासत से हमें जवाब मिला कि इंशाल्लाह मिसिंग पर्सन का मसला बहुत जल्द हल होगा। और जिस तरह मैंने एक आम शहरी के नाते सुना है जिसने बोला है, इस तरह आप सब ने भी सुना होगा, और मेरे ख्याल में उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं। अब तश्वीश ये है कि ये जिस तरह हमें ये मसला हल होता दिख रहा है, तो ये हल भी कोई अच्छा हल नहीं है। मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन वो अपने मिसिंग पर्सन के खिलाफ फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहते हैं, वो अपना मसला इस तरह से हल नहीं चाहते कि कहीं कुएं में शहीद मिले, कहीं रास्ते में शहीद मिले, या कहीं और इस हालत में मिले, बल्कि हमारी उम्मीद अपने रियासत से, अपने इदारों से यही रहेगी कि वो आवाम के लिए एक माँ एक बाप की तरह वो अपने आवाम को देखेंगे। और जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसी तरह हम इस रियासत से भी ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ भी उसी तरह का प्यार किया जाए। पूरे पाकिस्तान, हम एक ही जैसे पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे एक ही जैसे हुकूक हैं, उन हुकूक में हमें ऐसा ना देखे कि कौमी सतह पे कोई कौम का हक ज़्यादा है, किसी कौम का हक कम है। तो हम इसके साथ ये रिक्वेस्ट भी करेंगे
उन इदारों से कि मेहरबानी करें जो मिसिंग पर्सन है उनकी बाजियाबी का रास्ता आइनी तौर पे अगर किसी के खिलाफ केस है उनको अदालत में पेश किया जाए। पाकिस्तान के हर शहरी को आइन के तहत ये हक हासिल है कि वो अपना केस लड़े, वो अपने लिए वकील लड़े पकड़े, वो जुडिशरी में अपना केस लड़े और वो उधर फैसला हो। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और ये उम्मीद भी रखेंगे कि इंशाल्लाह ये रवैया मज़ीद इस तरह नहीं बढ़ाया जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो आज की नशिस्त हमारी अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ साथ हुकूमत के अंदर जितने भी बाकी पार्टियां हैं, ख़ासकर कोलिशन पार्टनर्स जिसे मैं कहूंगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अजारा डेमोक्रेटिक, बीएनपी अवामी, पाकिस्तान अवामी, जेडब्ल्यूपी, एएनपी ख़ुद, ये जितनी भी हम पार्टियां इसमें शामिल हैं, आज का मौका हमें मिला सेनेट के हवाले से और मैं बड़ा मशकूर हूँ अवामी नेशनल पार्टी का कि उन्होंने ये 4-5 दिन पहले हमने एक तरतीब बनाई कि आज के दिन इंशाल्लाह हम कोलिशन पार्टी सब मौजूद होंगे और अपनी कोलिशन की यकजहती को सेनेट के हवाले से एक अच्छे माहौल में भी डिस्कस करेंगे और एक अच्छी गैदरिंग भी होगी। ठीक आज के दिन से कि अहमद वली साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आज का दिन उनकी पार्टी के दोस्तों के साथ यहाँ आना और इसी दिन का तरतीब आज के लिए बनना, और जिस तरह उन्होंने कहा कि आज एक उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा गमगीन दिन इस हवाले से भी बना कि असद साहब जिनके हवाले से हम पिछले 4-5 महीनों से जानते हैं कि वो अगवा हुए थे और ज़मरो ख़ान, अज़र ख़ान और उनकी पूरी क़ियादत बशमूलियत जालांगो साहब के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, हम इन 4-5 महीनों में हर लिहाज से हमने अपनी बड़ी कोशिश की, बार बार चीज़ों के हवाले से तरतीब और चीज़ों को आगे ले जाने के, ताकि इस बाज़ियाबी के हवाले से या जो भी मालूमात है उसके हवाले से चीज़ें सामने आएँ। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सेनेट के हवाले से कि बलूचिस्तान के सियासी सूरत हाल, बलूचिस्तान की अपनी सियासी पोजीशन जो हमेशा बलूचिस्तान में बनती है, यहाँ जब भी हुकूमतें रही हैं तो अमूमन बलूचिस्तान में वफाकी सतह पे पार्टियाँ हों या बलूचिस्तान की सतह पे पार्टियाँ हों या यहाँ पे अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंटेरियंस के हिसाब से हों, यहाँ जब भी कोई एक सोच या एक तरीक़ेकार बना है वो बलूचिस्तान की ज़रूरत, बलूचिस्तान की पसमानदगी, बलूचिस्तान की अपनी नौयत और इन सब को मद्देनज़र रखते हुए बनी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह हमेशा यही हुई है कि हम सब ने महसूस किया है कि हम बलूचिस्तान के मुकदमे को सिर्फ उस वक्त तक हल कर सकते हैं जब हम सब में एक सियासी यकजहती एक हुकूमती अंदाज़ में होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2.5 साल से हम सब कोलिशन के पार्टनर्स इस बात का सबूत पाकिस्तान की सियासत में और बलूचिस्तान की सियासत में एक अच्छे अंदाज में पेश भी कर रहे हैं, और उसी का नतीजा हमने माजी में देखा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुंतखब सेनेट के मेंबरान, जिसमें हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मंजूर ख़ान काकड़ साहब जो यहाँ मौजूद हैं, जनाब सरफराज बुकरी साहब, खालिद बिजेंजो साहब और हमारी एक नशिस्त पे मोहतरमा जो सेनेट में आई, वो नतीजा बना जब सारी कोलिशन पार्टनर्स ने यकजा होकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट्स की सपोर्ट की। तो उसके हवाले से हम एएनपी के भी मशकूर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जेडब्ल्यूपी, अजारा डेमोक्रेटिक, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, जेडब्ल्यूपी के और बाकी हमारे
انڈیپینڈنٹ میں جس میں نواب ثناء اللہ زہری صاحب بھی موجود ہیں, ہم ان سب کے مشکور ہیں. اور اسی چیز کا تسلسل ہے جس کی کڑی آج آپ کو ایک نظر آ رہی ہے کہ آنے والے سینٹ کے لیے بھی بلوچستان عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے یک ذہن بنتے ہوئے باقی شمولیتی کوآرڈینیشن ہمارے کوالیشن پارٹنرز کے ساتھ ہم ایک ٹیم کی صورت میں آگے کی طرف جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ بلوچستان میں, چاہے ہماری سیاست بلوچستان کے اندر ہو یا کوئی ایسا فیصلہ وفاق کا جس کا اثر بلوچستان پہ پڑے, جس پالیسی کا اثر, جس کام کا اثر بلوچستان کی طرف آئے گا, انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح پاکستان کی ساری پارٹیوں سے بھی درخواست کریں گے کہ اس نوعیت کا کوئی بھی فیصلہ بلوچستان کا آئے تو اس کا فیصلہ ہم بلوچستان کی قیادت پہ رکھیں, چاہے اس کی قیادت ان کی پارٹی کے کوئی بھی لوگ یہاں کر رہے ہوں, کہ وہ بلوچستان کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہو کے ہوئے اس فیصلے کی طرف آگے جائیں. اور انشاءاللہ میں امید رکھوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی اور کولیشن کے پارٹنرز اور بلوچستان عوامی پارٹی اسی منشور اور اسی نظریے کو لے کے آگے کی سیاست کی طرف بھی انشاءاللہ اور آگے کے فیصلوں کی طرف ہم جائیں گے. میں اس پہ ایک دفعہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج اس واقعے کے حوالے سے ہمیں بھی اتنا ہی افسوس ہے, کیونکہ اسد صاحب کا تعلق یقینی طور پہ عوامی نیشنل پارٹی کے پارٹی سے ہے اور ایک وہ عہدیدار تھے, بلکہ وہ ساتھ ساتھ ایک بلوچستانی بھی تھے. اور حکومت بلوچستان کی طرف سے انشاءاللہ ہر اس بات کی نشاندہی, ہر اس بات کی ایشورنس ہم دیتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو, اس کے حوالے سے معلومات ہوں. آپ کی پارٹی کی الحمدللہ اپنی حکومت میں شمولیت ہے اور ایک ہو کے ہم انشاءاللہ اس کی طرف آگے جائیں گے, اس کی انویسٹیگیشن کی طرف جائیں گے, اس کے معاملات کی طرف سے جائیں گے تاکہ انصاف ہو, اور اس انصاف کے نتیجے میں جو بھی چیزیں ہوں ان کی طرف ہماری پیش قدمی ہو. اور انشاءاللہ تعالی اس کا ثبوت آپ اسی انداز میں دیکھیں گے جس انداز میں حالیہ ہمارے ہزارہ برادری کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا. بلوچستان کی حکومت نے ایک مثبت انداز میں اس چیزوں کی طرف قدم اٹھایا اور ان چیزوں کی مزید بہتری کے لیے آگے اقدام اٹھا رہی ہے. سو میں ایک دفعہ پھر اس بات کی یقین دہانی بھی کراؤں گا کہ ہم نے بلوچستان کے معاملات کے حوالے سے, بلوچستان کی چاہے وہ ترقی ہو, بلوچستان کے مسائل ہوں, چاہے یہاں تک کہ وہ مسنگ پرسن کا بھی مسئلہ ہو, ہم چیزوں کو ایک بڑے جینوئن انداز میں اجتماعی حوالے سے اور سب مل کر ہم ان کے حل کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ یہ جو ایک محرومیت ہے جو بلوچستان کے اندر پائی جاتی ہے, اس سب کو ہم مل کے حل کریں. اور اس کے حل کے لیے چاہے ہمیں وفاق میں یا صوبے میں ایک ساتھ ہونا ہو, ہم ان سب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ بلوچستان کے معاملات میں, اس کی ترقی میں, اس کی خوشحالی میں, اس کی پسماندگی میں اور اس کے آگے آنے میں, وہ ہر لحاظ میں, چاہے بلوچستان کا پلیٹ فارم ہو یا سینٹ کا ہو یا نیشنل اسمبلی کا ہو یا وفاق کا ہو, وہ اسی انداز میں ہمارا ساتھ دیں گے. اور میں ایک دفعہ آپ کا بڑا پھر مشکور ہوں کہ حالیہ کچھ مہینوں میں بھی آپ کا جو اسٹانس, پی ڈی ایم کا اپنا اسٹانس ہے, لیکن جب بات بلوچستان کی آئی تو بڑے مثبت انداز میں آپ نے اے این پی کے اندرونی بلوچستان کے معاملات میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جہاں عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت نے بلوچستان میں بلوچستان کے مفاد کو دیکھتے ہوئے اپنے علاقوں کی ترقی, اپنے علاقوں کی سیاست اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اچھے فیصلے ہم نے کیے, اور انشاءاللہ اور انہی روایتوں کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور عوامی نیشنل پارٹی کا بھی میں بڑا مشکور ہوں, آپ کی صوبائی قیادت کا, خاص کر ارباب صاحب ہمارے ساتھ ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہے ہیں. ارباب صاحب کی فیملی, خاص کر کوئٹہ بلوچستان کی ایک بڑی رسپیکٹ فل فیملی ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بلوچستان کی قیادت, بلوچستان کی نمائندگی جس انداز میں ایک اچھی قیادت کی صورت میں سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, صوبائی سطح پہ آ رہی ہے,
हम बलूचिस्तान के इंशाल्लाह मामलात को एक अच्छे खुश उसलूबी के साथ बेहतर होता हुआ देख रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और हम सबको तौफीक दे कि हम भी इसमें अपना एक हाथ रखें, ताकि इस मेहनत में हमारी भी छोटी मोटी मेहनत शामिल हो और हम बलूचिस्तान के लोगों के लिए सुरखरू होकर आगे जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। आपका शायद इशारा है कि वो आमने सामने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सामने तो अभी तक आमने सामना ऐसा नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पे मैं ये कहूँगा, देखिए हर पार्टी अपने अंदर एक अपना एक मौक़िफ़ रखती है और बलूचिस्तान के अंदर सियासत का तरीक़ेकार बाकी सूबों से आपको थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह इस कोलिशन के साथ है, चाहे वो उनके पार्लिमानी लीडर हों या उनके मेंबरान हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हालिया में मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा जो नसीबुल्ला मरी साहब और उनकी वफाकी क़ियादत ने भी किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को भी हम इंशाल्लाह खुश असलूबी से हल करेंगे। आने वाले अभी तक चंद दिन और बाकी हैं और हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान से भी एक अच्छा मैसेज पूरे पाकिस्तान में जाएं कि यहाँ भी सेनेट एक बहुत अच्छे अंदाज में हुए। जी जी नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमने सारा किया, फिर तो हम बड़े मजबूत हैं। यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी अगर क्वेटा में बैठ के सारे फैसले कर रही है, तो फिर आपके सवाल का जवाब तो बड़ा आसान हुआ कि ये सारे फैसले तो हम यहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। सबसे पहली बात है कि हमने अभी तक अवामी नेशनल पार्टी या किसी से भी जिनकी तरफ आपका इशारा है उसके हवाले से न इनसे हमने बात की है, न हमने कोई हतमी अभी तक कोई फैसला बनाया है। एक देखिए, कादिर साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है और मैं अपना एक गिला पाकिस्तान की सियासत से ज़रूर करूँगा कि हमारे बड़े मिस्कीन सनतकार पाकिस्तान की सियासत में लोगों को अब्दुल कादिर के नाम की सूरत में नज़र आ जाते हैं, लेकिन आज के सेनेट का अगर आप पूरा जायज़ा लें तो अरबपतियों की लिस्ट का जिक्र कोई नहीं करता। जो शायद हमारे अब्दुल कादिर साहब जैसे लोग उनकी पूरी बिल्डिंग में कहीं आम जगह पे भी काम कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि हमें बलूचिस्तान को हमेशा से पैसों के हवाले से या इस सेनेट के हवाले से नहीं देखा जाए। बलूचिस्तान के अंदर अब्दुल कादिर साहब को पीटीआई ने यकीनी तौर पे टिकट दिया था और उनके पार्टी से एक ताल्लुक भी था और ये मुश्तरका फैसला था बलूचिस्तान अवामी पार्टी का और पीटीआई का, और उस पर फिर कुछ चीज़ें आईं जिसमें फ़ैसला किसी हवाले से बदला गया और फिर कुछ सियासी हवाले से, और ये हर जगह होता है। ये सियासत का मैं कहता हूँ, ये सियासत की खूबसूरती भी इसी चीज़ में है कि क़यादत अगर कोई फ़ैसला करती है तो क़यादत अपने फ़ैसले को वापस लेने का भी एक हौसला उनमें होना चाहिए, और डेमोक्रेसी इसी का नाम है कि अगर मैं एक ऐसे फैसले करूं कि जी मैंने फैसले किए और आप फैसले बदल नहीं सकते, तो फिर सियासी डेमोक्रेसी उससे आप नहीं कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये फैसले थोपे जाते हैं। बाद में भी जो फैसला किया गया है उसमें भी आप देखें कि हमारी सिर्फ रिजर्वेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये थी कि चूँकि हम इत्तेहादी हैं तो हमारे फैसले भी एक साथ होने चाहिए, चाहे हम किसी को टिकट दें या ना दें। और मेरा ख्याल उस पर फिर बहुत काम हुआ और फिर इस बात पर चीज़ों को, जिसकी तफसील मेरा ख्याल हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखी होगी कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ और उनके नुमाइंदों ने खुद बड़े खुले अंदाज में किया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मेन, चूँकि बाकी तो सब इत्तेहादी हैं लेकिन जिनके बुनियाद पे सब मिले हुए हैं दैट इज़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी।
हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इत्तेहादी हैं और हम वो फैसले पर वो बाद में जाके होंगे कि किसने हुकूमत के साथ बैठने और किसने अपोजिशन में बैठने, और सेनेट में भी अभी ये भी पता नहीं चला कि चेयरमैन किसका आना है और नहीं आना, वो फैसले बाद में होंगे। हाँ, मैं इतना जो आप वजाहत मांग रहे हैं वो वजाहत मैं कर दूं कि हम बलूचिस्तान को बलूचिस्तान के नज़र से देखेंगे। हम इधर के हुकूमत का जो हमारा इत्तेहाद है और फिर हमारी जो पार्टी और जो पोजीशन है, हम इसी के नज़र से देखते हुए इंशाल्लाह इनकी पार्टी की इज़्ज़त और इस इत्तेहाद की इज़्ज़त और वकार का ख्याल रखते हुए हम मज़ीद आगे फैसले करेंगे। देखिए, मैं इस एक रुपया तो कहीं ना कहीं खर्च हुआ होगा क्योंकि लोगों ने फॉर्म भी भरा है, उस फॉर्म की फीस भी है और कहीं दावतें भी आज हो रही हैं तो कहीं कुछ खर्च हो रहा होगा, तो एक रुपया तो ज़रूर खर्च हुआ होगा। जहाँ आपका इशारा है, उस इशारे के तहत मैंने थोड़ी देर पहले अपनी बड़ी खुल के वजाहत की है कि हम बलूचिस्तान के लोग यकीनी तौर पे इस न्यूज़ का हमेशा एक हिस्सा बने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस सेनेट में बहुत तब्दीली नज़र आई है कि पहले जब भी सेनेट होता था तो बलूचिस्तान एक मरकज़ बनता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी कम है और बहुत सारे लोगों की जो नज़रें हैं वो सेनेट की दूसरी नशस्तों की भी तरफ हैं। और हमने बड़ी मेरा ख़्याल इस दफ़ा के सेनेट को बलूचिस्तान की अगर आप माजी के दूसरे सेनेट्स के साथ कंपेयर करें तो मैं दाद देना चाहता हूँ अपोजिशन को भी, इत्तेहादियों को भी, गवर्नमेंट के सारे लोगों को भी, कि हर पार्टी ने एक बड़ा अच्छा डिसिप्लिन कायम किया है और गुंजाइश किसी ऐसे इनफरादी शख्स के लिए नहीं रखा है कि वो आके किसी पार्टी के लिए, किसी पार्टी के लोग उसके लिए फॉर्म भरें। ये पहली दफ़ा हुआ है। माजी में हमने हमेशा देखा है कि सैकड़ों के हिसाब से फॉर्म भरे जाते थे, जिसकी मिसाल आपको इस सेनेट में नहीं मिलेगी। तो मेरे ख़्याल से ये जो एक डिसिप्लिन बलूचिस्तान के अंदर सारी पार्टियों ने मिलकर कायम किया है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है बलूचिस्तान के सेनेट के लिए। देखें, अगर ऑर्डिनेंस पास हो जाता तो हम हाथ खड़े कर देते, लेकिन इस रवायत को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख़्याल जब इतनी बड़े इज्तिमा में और पार्टी लीडरशिप्स बैठी हों और अगर हम वादा खिलाफी में जाएं, फिर ये बलूचिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनेगा। हम उन्होंने हमसे अपना एक वादा पूरा किया और उस पर कायम रहे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी अपने उसी वादे पर कायम है और यही सियासत की बुनियाद है कि जहाँ हम कुन चीज़ों पे इत्तेफाक राय कायम करते हैं, जैसे आज आपने सुना, और मेरे ख़्याल ये इत्तेफाक अवामी नेशनल पार्टी ने भी कायम किया और हम भी साथ कायम कर रहे हैं। देखें, एक तो है अपोजिशन की जमातें जो अपनी कोशिश करेंगी और एक है जो कोलिशन की जमातें हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि हम एक अच्छे अंदाज़ में जो हमारी नशस्तें बनती हैं, जो कोलिशन के तकरीबन हमारे 42 लोग हैं, उसके हिसाब से हम अपना नंबर गेम पूरा करें और इसी तरह से अपोजिशन अपने कोशिश करेगी कि 23 के हवाले से उनकी जो एक नंबर गेम आती है, जो भी उसकी तादाद बनेगी उस पर पूरा करें। अब चूँकि सियासत, आपने देखा होगा कि सेनेट किसी आम वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के वोट की तरफ नहीं होता कि एक जीता और एक हारा, इसकी बड़ी नंबरिंग होती है, हर नंबरिंग के कुछ पॉइंट्स होते हैं और उस पर एक बहुत बड़ा डिसीजन। कभी कभी ऐसे भी हमने देखा है कि माजी के सेनेट में भी के 90% लोगों ने प्रायोरिटी वन के वोट्स लिए फिर भी हार जाते हैं, और जिनको बहुत कम वोट मिलते हैं वो कट कटौती होते हुए
एक अपना एक सेनेट का एक तरीका कार फार्मूला है, ऐसे लोग भी जीत के आगे आ जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह इस पे हमारी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम की तरफ जाएं और उसी की तरफ हमारी कोशिश होगी। देखें, मैं पहले तो ये कहूँगा कि इस पूरे एक बड़ा ऐसा वाकया है जो कि यकीनी तौर पे कोई नहीं चाहेगा, चाहे वो किसी सियासी अहदेदार के साथ हो, एक बड़े लीडरशिप के साथ हो, एक आम बलूचिस्तानी के साथ भी हो। और जैसे मैंने आपको कहा कि अवामी नेशनल पार्टी और वो बलूचिस्तान के अंदर हमारा हिस्सा है, गवर्नमेंट का हिस्सा है, और शुरू से लेके चंद हफ्तों पहले तक मुसलसल हमारी हमेशा हर सतह पर कोशिश रही है कि हम इस केस के हवाले से अपनी पूरी मेहनत करें, जो कि हमने की भी। और अभी भी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि एक हुकूमत का हिस्सा होते हुए हुकूमत अभी भी अपने वो सारी चीज़ें पूरी करेगी जो कि एक ट्रांसपेरेंट, जस्टिबल और हर हकायक पे मबनी इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इंशाल्लाह होगी। जी, अगर उसकी तरफ भी जाता है तो इंशाल्लाह उसकी तरफ भी जाएंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।